मैं प्रभु में इतना पवित्र टाइम में रह चुका हूं, अब मेरा टाइम आने वाला है। आमीन। बाइबल बताती है आपका मन जब आपको दोषी नहीं पाता, तब जो कुछ भी आप प्रभु से मांगते हो आप पाते हो। अब आपको मालूम है कि आप वाइफ ढूंढ रहे हो, हाँ आपको पता है आप वाइफ ढूंढ रहे हो, आपकी मैरिज को, आप 30 साल के हो गए हो, आपने मैरिज करनी, पर रात को आप ब्लू फिल्म में देख के सो रहे हो क्योंकि आप कुंवारे हो, आप अकेले में गलत काम कर रहे हो, आप वाइन पीने जाते हो, शराब पीने जाते हो, फिर आपको वाकई ढूंढने में दिक्कत आएगी क्योंकि आपकी लाइफ सही नहीं। परमेश्वर आपको गाइड नहीं करेगा, होली स्पिरिट आपको गाइड नहीं करेगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई नहीं करेगा, बंद हो, आपके कान बंद है, क्यों? पाप की वजह से। वो छोटी सी बीड़ी, वो छोटी सी सिगरेट, वो शराब का एक पैग आपकी अगुवाई खत्म करता जो परमेश्वर ने आपकी करनी। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को बाजू पकड़ के मना नहीं किया था कि दारू मत पी, लिखा उसने दाखरस का कुंड लगाया तो परमेश्वर ने तब भी आवाज नहीं दी कि नूह दाखरस का कुंड मत लगा। उसने दाखरस बनाया तब भी आवाज नहीं आई, दाखरस पिया तब भी प्रभु की आवाज नहीं आई कि मत पी, पर पीने के बाद उसके घर में एक श्राप आया और वो श्राप सदा के लिए काम किया। आज भी वो श्राप काम करता है, जब तक आप मसीह में नहीं आ जाते वो श्राप अभी भी काम करता है नूह के घराने में, सिर्फ एक श्राप की वजह से। जब वो पीते हैं लोग तो अगुवाई खत्म हो जाती परमेश्वर। हालेलुया। आपके रिश्ते में 32 रिश्तों में रुकावटें क्यों हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि 32 रिश्ते आपके ना हो। आपको पहली बात, एक तो शैतान के बंधन तोड़ने, दूसरी बात आपको फ्री होने है और बांध के नहीं रखना अपने आपको कि नहीं जी मेरा यही क्रिटेरिया है, मैं डॉक्टर हूं तो मुझे डॉक्टर लड़की चाहिए। हो सकता है आपको इंजीनियर लड़की मिले और आपको डॉक्टर से भी अच्छी साथ दे सारी उम्र आपका। आमीन। आपका जीवन साथी जब परमेश्वर की ओर से पैदा होते हैं आपकी लाइफ नीचे स्वर्ग होती। अगर सही मैरिज लाइफ कंप्लीट, गलत मैरिज लाइफ फिनिश। हालेलुया। तो मेक श्योर जो लड़के और लड़कियां हैं वो पवित्र टाइम में हो और इतना परमेश्वर के साथ जुड़े हो कि परमेश्वर आपका राइट मैच, जो हो सकता है आपके पैसे से मेल ना खाए, आपकी दिमाग से मेल ना खाए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये वाली जात चाहिए, पर जब वो आपको देगा आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग बन के आएगा जबरदस्त। हालेलुया। मेरी ये प्रेयर है कि आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं आपके रिश्ते स्वर्ग से आपकी फैमिली में एंटर करें, आज स्वर्ग से परमेश्वर आपको रिश्ते देकर आमीन ऊंचे चर्च। अपने हाथों को उठाओ जिनकी मैरिजेस होने वाली अभी हुई नहीं, उठाओ अपने हाथों को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक रुकावट जो जिसकी जिसका कारण पाप है या शैतान है या कोई भी चीज है या ह्यूमन एरर है वो आपकी लाइफ को छोड़ के जाए, अगर आमीन ऊंचा ये बरकत आपकी है। मैंने कहा अगर वो आमीन ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। आपके घर में कुछ लोग एंटर करेंगे एक रिश्ता लेके जो स्वर्गीय होगा, आपका आमीन जितना लंबा आपकी ब्लेसिंग उतनी बड़ी। मैंने कहा आमीन जितना लंबा आपकी ब्लेसिंग उतनी बड़ी। हालेलुया। एक क्वेश्चन है, प्रेज द लॉर्ड आई हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू डिजीज, कि मेरा ये जो सवाल है वो बीमारी के विषय में, क्या हमारी सारी बीमारियां जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं उनका ना जाना हमारी प्रार्थना करने के बाद भी, विश्वास करने के बाद भी, क्या हमारी उसके लिए पिछली बुराइयां जिम्मेवार हैं? क्या उनका ऑपरेशन करवाना गलत है? क्या समय लग जाना उस बीमारी को जाते टाइम हमारे विश्वास का ना होना उसके कारण है? मैं दुनिया और अपने परिवार की बातों से तंग हूं,
क्योंकि वो मेरे विश्वास को कम बताते हैं। बाइबल बताती, प्रभु यीशु मसीह जब एक जगह जा रहे थे और परमेश्वर ने एक अंधे को दिखाया अपने चेलों को और उस अंधे को चंगा किया, और चेलों ने पूछा, परमेश्वर जिस अंधे को तूने चंगा किया, इसके घर वालों ने पाप किया था या इसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? परमेश्वर ने क्या बोला? क्योंकि यह थ्योरी थी कि हर बीमारी जो है वो पाप की वजह से आती, पर यह पूरी तरह से सही नहीं। बीमारियां पाप की वजह से आती हैं, जिस तरह 38 साल के रोगी की लाइफ में थी और परमेश्वर ने कहा था फिर से पाप ना करना, मैंने तुम्हें अब चंगा कर दिया है, अगर फिर से पाप करोगे तो हो सकता है इस, हो सकता नहीं तब इससे भी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन उस अंधे को बोला परमेश्वर ने कि नहीं, इसने पाप नहीं किया था ना इसके घर वालों ने किया था कि यह अंधा जन्मा। कुछ बीमारियां परमेश्वर की महिमा के लिए होती, आमीन। आपका विश्वास कई बार पूरा रहे, कई बार तो भी आपको उस सिचुएशन से होकर निकलना पड़ता है, क्योंकि मैं निकला हूं। अगर मेरा विश्वास अधूरा होता तो जब मैं लोगों पे प्रेयर करता था फिर वो चंगे ना होते, पर मैं खुद अपनी चंगाई के लिए इंतजार करता रहा सालों साल। ये नहीं कि परमेश्वर ने अगर मुझे उस बीमारी से चंगा नहीं किया था तो बाकी चीजों से आजाद नहीं किया था। मैं नशों से आजाद हो चुका था और बीमारियों से आजाद हो चुका था, बरकत ले चुका था, सामर्थ ले चुका था, सबसे बड़ी बात पवित्र आत्मा का वरदान और उसके दान ले चुका था, गैर भाषा ले चुका था, लेकिन एक फाइनल आंसर अभी मेरा आना बाकी था, वो सालों के बाद आया। आपका विश्वास कम नहीं है, लेकिन परमेश्वर कभी कभी हमें कुछ चीजों से गुजरने के लिए, हमारे विश्वास को चेक करने के लिए।